हेलो, एक कोना छान मारो, जाओ। ठीक है, ठीक है। दीपक, आलोक, ये तो खाली है, शायद कंप्यूटर में सेव करके रखा होगा। हाँ हाँ, तो देखना। हाँ चलो। यूजर नेम और पासवर्ड तेरे पास है ना? हाँ है ना। दे। कोई है उधर? हाँ, कोई है उधर? किधर है? चोर चोर नहीं हो रही है? रोज रोज बंद हो गई। नर्स, वहां से, हाँ, उधर से। हाँ 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 हाँ। अरे इस टॉर्च को क्या हो गया? कैसे हो रहा है? कैमरा, हाँ 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 हाँ, वो कैमरा, हाँ 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 हाँ, ये कैसे हो सकता है? सिट डाउन प्लीज। आई एम फाइन सर। वेल मिस्टर रघु, आप एक फोटो जर्नलिस्ट ही क्यों बनना चाहते हैं? अगर आप चाहें तो बाहर दूसरा जॉब ले सकते हैं। एक्चुअली सर, मैं बचपन से ही फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहता था। इसलिए नहीं कि मुझे फोटोग्राफी से प्यार है, बल्कि इसलिए कि मैं अपने कैमरा से किसी भी न्यूज का सही पहलू, उसका सच दिखाना चाहता हूँ। सर, मेरा मानना है कि सही और साफ तस्वीरों से आप किसी भी कहानी का रुख बदल सकते हैं। आई होप आई एम राइट सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने यंग बॉय। इनफैक्ट आई एम वेरी इंप्रेस्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहां तुम्हारी नौकरी पक्की है। थैंक यू सो मच सर। बिफोर यू ज्वाइन मिस्टर रघु, मैं आपको अपने न्यूज़पेपर के बारे में बता देना चाहता हूं। टाइम्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर अपनी सच और सच्चाई के लिए जाना जाता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसकी परंपरा को कायम रखेंगे। एब्सोल्युटली सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मे आई कम इन सर? यस पंकज, प्लीज कम इन। यस पंकज, क्या हो गया रॉबरी के बारे में? मैंने सारे रूम और सारे केबिन चेक किए, कोई भी चीज़ अपनी जगह से मिसिंग नहीं है। जहाँ जो चीज़ जैसी थी वैसी ही है। जो भी ताला तोड़कर ऑफिस में घुसा था, तुम्हें लगता है कुछ लेकर गया होगा? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं सर। आई श्योर? यस सर। एनी हाउ, ये मिस्टर रघु हैं, अब ये हमारे साथ काम करेंगे। इनको इनका डेस्क दिखा दो। यस सर। ओके, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। वेलकम टू आवर ऑफिस रघु। थैंक यू सर। सर नहीं यार, मेरा नाम पंकज है, कॉल मी पंकज। दिस वे। हाँ, एक बात तो यहाँ ज्यादा बैठने का मौका मिलेगा नहीं। अरे क्योंकि तुम्हारा सारा काम फील्ड वर्क है। यह है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, इसके सारे क्लॉजेस अच्छे से पढ़ लेना है। ओके? और यह है तुम्हारा हथियार, इसे हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। ओके, थैंक यू सर।
पंकज। थैंक यू पंकज। और कोई भी कहूँ तो प्लीज मुझे बोलना। बाय। सॉरी। पल्लवी पल्लवी पल्लवी, आई गॉट द जॉब, मुझे जॉब मिल गई। वाओ, कांग्रेट्स। क्या बात, तुम इतनी खुश नहीं लग रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, घर चले। पर हमें तो मूवी के लिए जाना था। नेक्स्ट टाइम प्लीज। ठीक है, चलो। उन्होंने तुझे जॉब दे दी, अब तो बर्बाद हो गए। पर एक बात बता रघु, तू वहाँ करेगा क्या? अरे करेगा क्या मतलब, न्यूज और इवेंट्स की फोटोज खींचूंगा यार, और क्या। फोटो पर रघु, अब तुम्हें संभल के रहना होगा, बस कभी तुम सीरियस स्टोरीज कवर करोगे तो कभी बड़े बड़े पाप के लोगों से तुम्हारा पाला पड़ेगा। डोंट वरी पल्लवी, देखो सच से बड़ा कुछ भी नहीं, और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, तूने उस न्यूज़पेपर एडिटर को पटाया कैसे? हाँ, जो उसने तुझे फोटो जर्नलिस्ट की जॉब दे दी। यार हमने तो तुझे आज तक कोई फोटो खींचते देखा नहीं। Are you guys serious? तुम लोगों ने मुझे कभी भी फोटो खींचते हुए नहीं देखा? बिल्कुल नहीं यार। Nope, never. तो अब देख लो। Okay guys, are you ready? And smile. अब दिखा दो सही क्या खींचा तूने? हाँ यार दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। एक सेकंड। ये देखो। ये वाली देखो। क्या फोटो है बहुत। अबे वो चोट इसको देख। ओह माय गॉड। इज दिस यार? हाँ डेड बॉडी। कैसी कैसी फोटो खींची तूने? नहीं गाइस, ये कैमरा मुझे कंपनी से मिला है, हो सकता है वो लोग डिलीट करना भूल गए हो, मैं डिलीट कर दूंगा। Come on guys, let's party. Guys, let's party. Enjoy. Enjoy. चल, let's party. चल, चल, आजा. Enjoy the party. हेलो पल्लवी। क्या बात है, आज आप आते आते लेट हो गए। हाँ, ब्यूरोक्रेट की नौकरी में देर तक काम करना पड़ता है, और आज तो बैक टू बैक लॉन्ग मीटिंग्स, इसीलिए लेट हो गया। कम सो हाउ इज वर्क? वर्क इज गोइंग वेल। प्रेस द बटन अगेन। क्या आ रहा है टीवी पे? ड्रिंक बना के आते हैं फिर देखते हैं।
अरे राणा, कब से फोन लगा रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं आकर बताता हूं। पल्लवी, अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुमने मेरा कैमरा देखा क्या? नहीं तो, कल तो तुम्हारे पास ही था ना? हाँ, मेरे पास था, पर अब मिल ही नहीं रहा है। बाकी दोस्तों को भी मैं फोन करके पूछ चुका हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कैमरा कहाँ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तो मैं पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ, मेरा आज ऑफिस का पहला दिन है, और अगर बिना कैमरा के गया ना तो वो लोग मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। इतना स्ट्रेस मत लो, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढ लेंगे। तुम कल पार्टी के बाद कहाँ गए थे? पार्टी के बाद मैं कॉफी शॉप गया था, पर मैं कॉफी शॉप में कैमरा क्यों? पल्लवी, वो तुम्हारी गाड़ी है? हाँ। ये कैमरा यहाँ कैसे आया? हाँ यार, मेरी गाड़ी पे कैसे? आई गेस किसी ने मजाक किया होगा। मजाक? ये कोई मजाक करने का तरीका है क्या? मेरे काम की चीज है ये। छोड़ो ना, तुम्हें कैमरा तो मिल गया ना। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पल्लवी, ये डेड बॉडी किसकी है? ये हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी शशि जी थे, कल रात को घर पर अकेले थे जब इनकी डेथ हो गई। किसी को भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या। अरे चंद्रकांत, ये तो सिंपल केस लग रहा है, घर पे ज्यादा दारू पिया होगा और खत्म। नहीं रे, ना तो बॉडी पे कोई घाव का निशान है और ना मुंह से झाग आ रहा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है ये। पल्लवी, मैं एक सेकंड आता हूँ। पर ऑफिस, शायद मुझे यहाँ कोई स्टोरी मिल जाए।
शशि जी की मौत ऐसे अजीब तरीके से हुई कि किसी को पता ही नहीं चला। I know. शशि was a bureaucrat. जैसे कि तुमने कहा है कि उसके शरीर पर कोई भी घाव के निशान पाए नहीं गए। हो सकता है उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक? सर कभी सोचा नहीं था कि एक ब्यूरोक्रेट को भी इतना स्ट्रेस हो सकता है। शशि के बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे। जैसा ईमानदार और शरीफ वो दिखता था ना, वैसा था नहीं वो। उसकी एक सिग्नेचर के बगैर कोई भी पब्लिक प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं होता था। एनीहाउ, आई लाइक द वे यू वर्किंग। एक जर्नलिस्ट को अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। न जाने कब कहां किस कोने में एक कहानी छुपी हो। दिस इज योर स्टोरी रघु। इस स्टोरी के लिए तुम जितनी भी इंफॉर्मेशन निकालोगे ना, ये तुम्हारी मदद करेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑफिस में पहला दिन कैसा जा रहा भाई? कुछ नहीं, वो आज एक अजीब सा हादसा हुआ जहां पे वो लाश। छोड़ना यार वो सब। अच्छा तुमने मुझसे कहा था कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुमसे बात करूं। हाँ हाँ बता। मुझे एक आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी है। कैसी? ऐसी वैसी नहीं, कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। मेरे पास दो तीन इन्फॉर्मर हैं, हो जाएगा। बता क्या चाहिए? एक एक ब्यूरोक्रेट था शशि। हाँ आज सुबह अचानक वो मरा हुआ पाया गया। मुझे ये पता लगाना है कि उसका लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा था। हो जाएगा, शाम तक बताऊं। चलिए ओके। चलिए यार आशागर, क्या प्रॉब्लम है? सर ये देखिए पार्किंग लॉट का ब्लूप्रिंट। सर पार्किंग लॉट की अप्रूवल अभी तक नहीं मिली है सर। क्यों? शशि जी से बात करो, उन्होंने अभी तक अप्रूवल क्यों नहीं दिया? सर वो, सर शायद आपको मालूम नहीं वो, पर शशि सर की कल रात को मौत हो गई। व्हाट? कैसे हुआ? हार्ट अटैक से सर। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं राणा सर से बात कर लूंगा। शशि के बाद किसी न किसी के तो साइन चाहिए ही। ये लो आओ मेरे साथ। सर वो वाटर पंप में कुछ प्रॉब्लम है, ये देखिए पानी भी ठीक से नहीं आ रहा और काम भी सफर हो रहा है। शायद ठीक से काम नहीं कर रहा और पानी भी गंदा आ रहा है। सर एक काम करते हैं, इसको तोड़कर नया बना देते हैं। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, पानी जैसा आ रहा है वैसे ही यूज करो। आर यू श्योर सर? हाँ लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। तुम लोग जाओ अपना काम करो। यस एक मिनट, आप यहां से हटिए, यहां काम चल रहा है प्लीज। शशि जी यहां की लीगैलिटीज हैंडल करते थे ना। आप कौन? ये मेरा नाम राघव है, मैं टाइम्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से आया हूं। मैं शशि जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। देखिए शशि जी एक ब्यूरोक्रेट थे और हम उन्हें प्रोफेशनली जानते थे। ने तो सुना है कि शशि जी और आपके बीच में। देखिए मुझे कहीं जल्दी जाना है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम सो सॉरी सर। मैं आई एम रियली सॉरी। अरे
ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो यही गाड़ा था। चालू हो जाओ, प्लीज चालू हो जाओ। बात है रघु, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है। तुम याद है कल पार्टी में मेरे कैमरा में वो अजीब सी फोटोज दिखाई दी थी? मैंने वो फोटोज डिलीट कर दी थी, लेकिन आज वो फोटोज मुझे फिर से दिखाई दी। इनफैक्ट पहले से ज्यादा क्लियर दिखाई थी। अब मैं उसे अपने डेस्कटॉप पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कॉपी नहीं हो रहा, अपने आप ही डिलीट हो रहा। क्या थे उन पिक्चर्स में? पर बहुत ही अजीब सी फोटोज थी यार। पहली फोटो में तो वो कुछ रामपुरी छुरी होती है ना, वैसा कुछ था, और खून से सनी हुई थी। दूसरी फोटो तो और भी ज़्यादा अजीब थी। इस इंसान सा एरिया था जहाँ पे तीन चार लोग एक लाश को लेकर जा रहे थे। रघु, तुम्हारे घर में और कौन है? कोई भी नहीं। रघु, तुम्हारे पीछे कोई है? पीछे? कोई भी तो नहीं है। रघु, पीछे देखो, उसका चेहरा कितना खतरनाक है, वो खड़ा है तुम्हारे पीछे। पल्लवी, कोई नहीं है पीछे। अगर कोई नहीं है तो फिर ये कौन है? कैमरा किसका है? सर, हमें नहीं मालूम इस बारे में। कौन रखी गया? सर, कैसे आया? सर, हमें नहीं पता इस कैमरे के बारे में। कैसे आया? कैसे लोग हैं आप लोग? काम कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ पता ही नहीं कैसे क्या हो रहा है। काम पर ध्यान दो यार। जब देखो टाइम पास, प्लीज पे अटेंशन। सर, इडियट्स। चलो ड्राइवर। फोटो कैसे आई इसमें? ड्राइवर, गाड़ी रोको जल्दी। चलो
देखो राणा, अपनी मुसीबतों को खुद सॉल्व किया करो और छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन ना करो, समझा कि नहीं? अरे लोकेश मेरी बात तो सुन। तुझे क्या लगा तूने मुझे रहने के लिए घर दे दिया तो मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए? मुझे मेरे पैसे चाहिए? तूने क्या कहा था? तुम्हारे आदमी मेरे पैसे लेके आ रहे हैं। मैं इंतजार करता रह गया, और तेरे आदमी नहीं आए? मैं ये... तू मेरी बात तो सुन लोकेश। देख दीपक का कैमरा मेरे पास है और उसमें सारे फोटोज भी हैं, मेरे फोटोज हैं। ये क्या, किधर गया कैमरा? अरे कैमरा यही था लोकेश, किधर गया कैमरा? ऐसे झूठ, झूठ पे झूठ। दीपक का कैमरा तेरे पास कैसे आ सकता है? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, क्यों झूठ बोलूंगा तुझसे? यार सुन, मुझे मुझे थोड़ा टाइम दे दे भाई। देख, एक बार ये मामला पूरा ठंडा हो जाए मैं खुद आऊंगा तेरे पास पैसे लेके। राणा मेरी बात कान खोल के सुन, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं तुम जैसे मूर्ख हूं, जोकरों को पाल नहीं सकता और नहीं पाल सकता ना। और सुन, एक हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, एक हफ्ते का, मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा, मैं तो डूबूंगा ही, तुम सबको भी डुबा ले जाऊंगा। लोकेश, लोक, डैम, बोल राणा। हेलो सर, सर लोकेश के जाने का वक्त आ गया है, अब उसे खत्म करना ही पड़ेगा। अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी आउट ऑफ इट। अब ये काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। ओके? यस सर। सर, सर, सर ये कैमरा किसका है? सर ये जिसका भी कैमरा आप उसे प्लीज वापस दे दीजिए और मुझे रिप्लेस करके कोई दूसरा कैमरा दे दीजिए। सर मुझे ये कैमरा नहीं चाहिए। कूल डाउन, बात क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप पहले मुझे ये बताइए कि वो डेस्क किसका है जहां पर बैठ के मैं काम करता। सर इस कंपनी में आकर किसकी जगह ली है मैंने? दीपक। सर तो कहां है वो और ऑफिस क्यों नहीं आता? सर मैं उस दीपक से मिलना चाहता हूं। दीपक लापता है और कोई भी नहीं जानता कि वो कहां है। सर दीपक लापता होने से पहले किस स्टोरी पे काम कर रहा था? ब्यूरोक्रेट्स, शहर के बड़े बिल्डर्स जो अपना नेक्सस फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ये उनकी स्टोरी पे काम कर रहा था। और जानते हो कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी था। ज्यादा से ज्यादा सबूत उसने इन लोगों के खिलाफ इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन ये सब बात तुम क्यों पूछ रहे हो? दीपक के कैमरा और उसमें दिखने वाली उन वियर्ड फोटोज की वजह से। सर सर बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं सर इस कैमरा में। सर अपने आप फ्लैश होने लगता है, अपने आप फोटोज क्लिक करने लगता है और अपने आप ही डिलीट होने लग जाता है। सर मेरी समझ के तो बाहर है, आप खुद ही देख लीजिए, देख लीजिए आप। ये सर ये फोटोज मैंने क्लिक नहीं की है। सर कौन है ये लोग और आप इन लोगों में से किसी को पहचानते हैं? मैं इनको नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि इन सब का ताल्लुक दीपक के लापता होने से है। ये लाश कहीं दीपक की तो नहीं है? दीपक दिखता कैसा था? उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? ये दीपक है। नहीं, हाँ रघु बसो। क्या हुआ रघु? रघु ये क्या देखा मैंने? वो आत्मा तो दीपक की थी, ये कैमरा के अंदर उसकी आत्मा कैसे? Excuse me. Yes. आपने पंकज को कहीं देखा है? पर पंकज जी तो आज ऑफिस में नहीं आए। मुझे उनका नंबर मिल सकता है? हाँ नंबर मिल जाएगा, 9820416369। थैंक यू। पंकज। हेलो। हेलो पंकज, मुझे तेरे इन्फॉर्मर्स की फिर से मदद चाहिए। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? पंकज मैं तेरे मोबाइल पर अभी एक फोटो सेंड कर रहा हूँ, मुझे ये पता लगाना है कि शशि के अलावा वो लोग कौन है जिनका चेहरा दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं पता लगवाता हूँ।
तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू पंकज। इन दोनों का तो पता चल भी जाएगा, लेकिन इस आदमी का पता कैसे लगाएंगे जो उल्टा खड़ा है। चला गया चंदू, बैग लगता रहना मान गया, भिजवा दिया पैसा। तो उसका भी भला, मेरा भी भला। तो रवि को ले रहा है। हेलो रघु। हाँ सर बोलिए। तुम शशि की स्टोरी हैंडल कर रहे हो ना? हाँ सर, बट हुआ क्या? इस स्टोरी से दूर रहो बेटा। सर आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट सर आप ही ने तो मुझसे कहा था कि इस स्टोरी को लेकर मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, और सर अब तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं। इनफैक्ट दीपक देखो, मैं तुमसे जितनी बात कह रहा हूं सुनो। दिस इज एन ऑर्डर टू यू, ओके? जस्ट बी आउट ऑफ इट। सर ने मुझे ये स्टोरी छोड़ने के लिए क्यों कहा? दीपक तो एक ईमानदार जर्नलिस्ट था, वो तो बस अपना काम कर रहा था, और उस निर्दोष आदमी का कत्ल हुआ है, बेईमान लोगों ने उसका खून किया है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर किसी निर्दोष का खून होगा। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे दीपक को इंसाफ दिलाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे सर के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। सर राणा। यस, हु आर यू? टाइम्स एक्सप्रेस से रखो। तो मेरे पास दीपक का कैमरा है। कौन दीपक? सर बेहतर ये होगा कि आप अपने सारे गुनाह कबूल कर, जो भी अपराध आपने किए उन्हें एक्सेप्ट करने का टाइम अब आ गया है। Thank you.
क्या नाम बताया तुमने अपना? रघु, राइट? देखो रघु, मैं एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हूं, और बिजनेस में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं जो तुम जैसा आदमी नहीं समझेगा. आई मीन यू नो योर क्लास. और रहा सवाल सबूतों का, तो मैं अपने रास्ते के सारे सबूत और कांटे मिटा चुका हूं. सो आई हैव गॉट बेटर जॉब्स टू अटेंड, सो इफ यू कुड काइंडली एक्सक्यूज मी. रघु, गुड बाय. मिस्टर राणा, शायद आप समझे नहीं, मैं सबूतों की नहीं गवाह की बात कर रहा हूं. दीपक वापस आ गया है. यू डोंट गेट इट राइट? तुम समझते नहीं हो या ना समझी का ढोंग करते हो? एनीवेज, बच्चे, अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो मैं भी साफ साफ बता ही देता हूं. ये जो दीपक था ना, इसे मेरे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका था. मैंने मार दिया उसे. ये कंस्ट्रक्शन मेरा है, यही मारा उसे और उसकी लाश को यहीं पे दफना दिया मैंने. एंड बाय द वे, इस काम में मैं अकेला नहीं था. लेके आओ उसे. चल तो बच नहीं पाओगे. तुझे कहानी चाहिए थी ना, आज मैं तुझे कहानी सुनाता हूं. अब जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को तलाश होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, और सिर्फ प्रोजेक्ट पाना ही सब कुछ नहीं होता बाबू, समझे? उसके लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट. और प्रॉफिट कैसे बनता है? धांधलेबाजी करनी पड़ती है, मिक्सिंग फिक्सिंग सब कुछ. मुझ जैसा मीडिया मोगल जो किसी की रेपुटेशन बना भी सकता है और किसी की रेपुटेशन बिगाड़ भी सकता है. तो मुझे जानना चाहता था ना कि दीपक कौन सी स्टोरी पे काम कर रहा था, तो दीपक किस स्टोरी पे काम कर रहा था. और इसी तरह हमने दीपक की कहानी खत्म की थी, और अब इसकी कहानी भी खत्म करेंगे. दीपक की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी. कहानी खत्म होगी अब तुम्हारी. आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें.